नमस्कार, मैं हिमांशी शर्मा और आप देख रहे हैं बियानी टीवी। आज है तारीख 5 जून। इस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में तापमान कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर तो 50 से ऊपर पहुंच चुका है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को काटना व गंदगी फैलाना है। आज की जनरेशन को पहाड़ों में तो जाना है, पर वहाँ पर सफाई नहीं रखनी है। वहाँ पर वो लोग जाते हैं इंजॉय करने, और वहाँ पर पर्यावरण दूषित कर आ जाते हैं। तो इसी विषय पर आज हम जानते हैं लोगों से उनका विचार कि वो आशीष मैम, आशीष राजपूत सर, आज एनवायरनमेंट डे है, तो आप एक कैसा चेंज लाना चाहेंगे हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे ये जो गर्मी का तापमान बढ़ रहा है वो कम हो और पेड़ पौधे ज़्यादा लगें? तो मैम, इसका यही सोल्यूशन है कि अपन जो भी है, अपन जितने भी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन जानते हैं कि कहीं भी डेवलपमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले नुकसान होता है पेड़ों को। और पेड़ों को हम इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं कि आजकल मतलब पेड़ों का आप सिर्फ पार्क में जाते हो कहीं, ये हमने एक छोटा सा वो बना रखा है जहाँ से हमको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हो रही है, जिसकी वजह से हम बच पा रहे हैं। बाकी हमने घरों में AC लगा रखी है, कूलर पंखे, कूलर चलता है वो पूरा मतलब अपन उसमें पानी वाटर यूज होता है, वाटर पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, उसको अपन पूरा यूज करते हैं तो वो पानी का नुकसान होता है उससे। AC चलता है, AC जो उमस मतलब बाहर से उमस को खींच के, वो जब AC का मतलब कहीं से पानी तो आता नहीं, आउटडोर होता है और इंडोर होता है, डायरेक्ट हवा को खींचता है, हवा में उमस से पानी बनाता है वो पानी बाहर निकलता है। और मतलब AC के कारण और अपना जैसे कूलर पंखे, इनके कारण बहुत ज़्यादा पेड़ों का नुकसान हो चुका है। अपन पेड़ों का हर चीज़ में, पेड़ों से अपनी कॉपी किताबें, ये सारी कई चीज़ें अपनी पेड़ों से ही बनती है, तो अपन पर्यावरण का बहुत नुकसान कर चुके हैं। तो अपना सोल्यूशन यही है कि सबसे ज़्यादा हर आदमी, कम से कम ज़्यादा भी नहीं था, हर आदमी 1-2 पेड़ भी लगाए तो मतलब पर्यावरण में बहुत चेंज हो जाएगा। अगर हर आदमी अपना भाई हर किस भाई हर कोई अपने काम धंधे में व्यस्त रहता है, पर एक संडे का टाइम मिलता है हमको, संडे में अगर थोड़ा 5-10 मिनट निकाल कर हम या फिर मतलब एक पेड़ लगाएं, 1-2 पेड़ लगाएं, उनको पानी दें, उससे ये भी रहता है कि हम अपने बच्चों को भी तो पालते हैं ना, तो ये भी हमारे बच्चों की तरह, और ये तो हमारी ज़िंदगी इनकी वजह से चल रही है, इनकी भाई अपनी ज़िंदगी इनकी वजह से चल रही है, इनकी ज़िंदगी अपनी वजह से नहीं चल रही। पहले भी जब मानव नहीं था धरती पर, तब भी ये पेड़ पौधे थे, जीवन था, तो इनकी वजह से ही अपना सारा सब कुछ है। तो सबसे मेन ये है कि हर बंदे को ज़्यादा में नहीं 1-2 पेड़ लगाओ, जिससे कि हमारा पर्यावरण आगे जाके मतलब हमारे जो फ्यूचर में आने वाले भाई बच्चे हैं या अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इनको देख भाई अब आने वाला अच्छा जो नेचुरल चीज़ है, नेचर देख सके। हेलो सर, जैसे कि आज पर्यावरण दिवस है और लोग इतना गर्मी में अपना काम कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पारा गया है अब की बार 50 डिग्री से भी ऊपर, तो आप लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान की गलती है इसमें पर्यावरण को ना बचाने में? इंसान की गलती है, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि जैसे देख रहे हैं उसमें पेड़ नामुमकिन बच रहे हैं। आज भी कोई फ्लैट भी बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, तो पहले उस पेड़ को बचाने की नहीं सोचेगा, पहले उसको काटने की सोचेगा, वो ये सिचुएशन है। और इस सिचुएशन को देखते हुए टेम्परेचर बहुत ऊपर जा रहा है, तो अपने को ये सोचना चाहिए कि एक पेड़ को बचाए तो उससे पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, वो हमारे फायदे के लिए है, कुछ दूसरे के फायदे के लिए नहीं है, इसमें सबका फायदा है। सर, तो जैसा कि आपने जैसा बोला कि पेड़ हो रहा है, यमुना नदी के बारे में हमने सुना, वो इतनी उसका फैक्ट्री का पूरा मलबा यमुना नदी में जा रहा है, पूरी तहस नहस हो रही, तो उसके ऊपर आपको क्या है कि फैक्ट्री या तो बंद हो जाए या फिर उनका मलबा कहीं ऐसा, आपको क्या लगता है कि हम कैसे रिजर्व कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? रिसाइक्लिंग करनी चाहिए, आई थिंक रिसाइक्लिंग जो प्रक्रिया चल रही है आजकल सरकार में वो करनी चाहिए, उसको मतलब जो कचरा निकल, जो वेस्ट निकल रहा है ना, रिसाइकलिंग करना चाहिए, और जो वेस्ट है उसको सैंड डंप करना चाहिए, ना कि उसको ऐसे खुले में रखना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस भी निकलती है, तो उसको अगर सैंड डंप करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा और उससे पोल्यूशन भी। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैसेज तो सबको पता होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और जो क्लाइमेट ओवर जा रहा है और टेम्परेचर, वो इन्हीं वजह से जा रहा है, जो लोग पेड़ लगाने के बजाय काटने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। और दूसरी चीज़, आज की जनरेशन ऐसी हो रही है, पर्यावरण दिवस का किसी को पता नहीं है, सब पॉलिटिशियन में रुचि रख रहे हैं, सबको पता है कौन गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, किसको, सबकी उसी में ध्यान लगा हुआ है। पर्यावरण दिवस आज किसी को जाके पूछोगे पता ही नहीं है किसी को। आज पर्यावरण दिवस है तो लोगों को कम से कम ये जनचेतना रहनी चाहिए कि पेड़ पौधे लगाने से हम हर जीव का कंपल्सरी है, हर प्राणी के लिए, और जो है वो क्लाइमेट मैनेज रहेगा, और टेम्परेचर जो आज जिससे पूरी हर जीव परेशान है उसमें परेशान नहीं रहेगी। तो ये मेरा तो यही कहना है कि हर आदमी को पेड़ पौधे केयर करने चाहिए, लगाने चाहिए,
और जो जो आप संदेश हर किसी तक ये पहुंचना जरूरी है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे बियानी टीवी और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज बियानी द प्रेस। धन्यवाद।